ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना भाई। अच्छा ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या ना अपने आप में बस इतना ही है। हाँ मुश्किल, अपन नाम हम लिखते हैं बकायदा, नारियल फोड़ेंगे, दीयबत्ती करेंगे, अपन चल देंगे ठीक है ना। हाँ अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है ना, बहुत ही शानदार चैप्टर है ठीक है। अच्छा जो बेसिक है ना वो तो आपको एकदम घोटा हुआ होना चाहिए। देखो साहब पहली बात बेसिक क्या चीज है ना, इसका बेसिक आप सब ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआत में पढ़ चुके हैं ठीक है ना। हमारे बीच में कृपया करके ऐसे सदस्य याद जरूर है ना ठीक है ना, ऐसे सदस्य कम से कम करते चले आना जिनको ये छोटी छोटी बातें नहीं आती हो है ना। कोशिश कर लेना कि ये आपको याद हो जाए। एक तो साइन थीटा में जीरो ठीक है, दूसरा साइन थीटा इज इक्वल टू वन कब आता है राइट है, और तीसरा साइन थीटा इज इक्वल टू में माइनस वन कब आता है। ये मेजर एंगल है ना, आप आराम से सोच लेना, मैं अभी तो भर भी नहीं रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं जो चीज आपको सबसे पहले आनी चाहिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू वन कब, सॉरी जीरो कब होता है राइट है। अच्छा इसी प्रकार से कॉस थीटा इज इक्वल टू में वन कब होता है और कॉस थीटा इज इक्वल टू में माइनस वन कब होता है, क्या ख्याल है ना भाई। अच्छा एक बार इससे पहले कि आप कुछ भी ऊटपटांग बोल दो और आसपास वाले को भेगा दो, पहले क्लियर कर देता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है, थीटा इक्वल टू जीरो पाई टू पाई थ्री पाई से लेके एन पाई राइट है ना भाई। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि यहां थीटा की वैल्यू जीरो पाई टू पाई से बढ़ते बढ़ते लास्ट में अपन एन पाई बोल देते हैं, एन पाई माने एनी इंटीजर पाई। नंबर वन बात, साइन थीटा इज इक्वल टू वन ये भी आपको पता होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू में पाई बाई टू राइट है। नेक्स्ट इज फाइव पाई बाई टू, वो ध्यान से समझ लेना ठीक है ना, फाइव पाई बाई टू, फिर उसके बाद में होता है नाइन पाई बाई टू, और इन सबके बीच में चार चार का अंतर होता है राइट है। तो इसको दुनिया वाले प्यार से फोर एन प्लस वन पाई बाई टू बोलते हैं राइट है भाई। अच्छा वैसे ही थीटा इज इक्वल टू में ये वाली जो भी वैल्यू है ये अपने आप में पहली बार चढ़ती है कब, थ्री पाई बाई टू पे राइट है, फिर अगली बार सेवन पाई बाई टू पे, और ये भी चार चार के अंतर पे चलती रहती है, लेकिन इसे बोलते हैं फोर एन प्लस थ्री पाई बाई टू, बहुत ध्यान से समझना फिर ठीक है ना। अच्छा ये तो वह मेजर एंगल है ना, जिसमें भी ये जो है ना ये तो बस देखना देखने के लिए है, इनका बहुत रेयर यूज है। ना के बराबर मैंने आपको याद नहीं होगा मैं परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये याद नहीं होगा तो मैं बहुत परेशान कर सकता हूँ है ना, कि साइन थीटा जीरो भी नहीं आता मित्र है ना। माँ पूछेगी इस दिवाली की छुट्टी में क्या लाया, तब तो बताना पड़ेगा ना साइन थीटा लाया था माँ ठीक है ना। अच्छा अच्छा वैसे ही है ये कॉस थीटा अगर जीरो की बात करते हैं ना, तो कॉस थीटा जीरो कब कब होता है ना, ऑड पाई बाई टू है, क्या बोला मैंने ऑड पाई बाई टू, बिल्कुल बिल्कुल ये तो मैंने छोटी वो छोटी बताया ना। अब देखो कोई भी नया चैप्टर होता है ना, देखो हर स्टूडेंट के मन में होता है यार यहां से तो संभाल लू मैं कम से कम, यहां से तो संभाल लू मैं कम से कम, ये संभालने में आने जाएगा चैप्टर। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको एग्जैक्ट टू डेज के अंदर वाइंड अप कर सकता हूं ठीक है ना, एग्जैक्ट टू डेज के अंदर है ना, आपकी शीट के लायक तो ठीक है, क्योंकि इसमें है भी नहीं कोई तंत्र, लेकिन अपन नहीं करेंगे, अपन इसको है ना ग्रेसफुली चार से पांच दिन में खत्म करेंगे ठीक है ना। इस दौरान मैं आपसे सारे क्वेश्चन बनवा लूंगा, मुझे पता है मैं बनवा लूंगा आप ठीक है ना, क्योंकि सिक्वेंस सीरीज तो बहुत बड़ा चैप्टर था नहीं बनवा पाया ठीक है, लेकिन ये तो बनवाएंगे अपन है ना वगैरह, अच्छे से बन भी जाएगा आपसे। अच्छा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन की अगर अपन चर्चा करते हैं तो कॉस थीटा वन बोले जीरो पे, थीटा इज इक्वल टू जीरो, बस जीरो भाई नहीं टू पाई और फोर पाई और या फिर इवन पाई माने टू एन पाई याद रहेगा। हाँ और ये अगर देखा था थीटा इज इक्वल टू कितने पे पाई और थ्री पाई या फाइव पाई या फिर बोला जाता हूं ऑड पाई है ना भाई, टू एन प्लस वन पाई, बस इन्हों से